क्या जेडीयू की राजनीतिक कद में लगातार गिरावट ही है उसके महागठबंधन के साथ हाथ मिलाने की असली वजह? क्या कुछ कारण रहा जिससे जेडीयू एक बार फिर से गठबंधन बदलने का फैसला लिया है? क्या कुछ कारण रहा, हम सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूँ आपके साथ मैत्री। तो जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने मंगलवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बुधवार को फिर से नए गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। अब बात आ रही है कि आखिर कारण क्या था जिसने नीतीश कुमार को इस कदर मजबूर किया कि एक बार फिर से वो उसी पार्टी के साथ गए जिनके विचारों से मतभेद कई जगहों पर देखने को मिलती रहती थी। तो इसके दो वजह बताए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन दोनों कारणों के संयोजन से ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला लिया। तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को एक दशक पहले की तुलना में चुनाव लड़ने के लिए कम सीटें मिल रही थी। वहीं पिछले 5 विधानसभा चुनाव परिणामों की अगर हम बात करें, उसका विश्लेषण करें, तो ये पता चलता है कि पार्टी और भी कम सीट जीत रही थी। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में सीटों की संख्या के आंकड़ों को देखें तो जेडीयू के स्ट्राइक रेट में गिरावट आई है। उदाहरण के तौर पर 2010 के विधानसभा चुनाव को ही आप देख लीजिए, 141 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, 82% की थी जेडीयू की स्ट्राइक रेट, 115 सीटों पर की थी जीत हासिल, 26 सीटों पर 39% था वोट शेयर। वो साल जेडीयू की राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो इंपॉर्टेंट साल था। हालांकि इसने बाद के 2 विधानसभा चुनावों में अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन बनाई, यानी 2015 में राजद के साथ और 2020 में बीजेपी के साथ। और अगर हम इन दोनों मौकों पर 2010 की तुलना करें तो जेडीयू के स्ट्राइक रेट में गिरावट आई है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव, जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी चुनाव, बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। और चुनावी परिणाम की अगर हम बात करें तो जेडीयू 43 सीटों पर जीत हासिल की थी और बीजेपी 74 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब इसके उलट 2015 को छोड़कर देखें तो भाजपा लगातार अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जीत रही है। चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन, 2010 में 90% का स्ट्राइक रेट रहा भाजपा का और 2020 में 67% का स्ट्राइक रेट रहा। तो आपने देखा जेडीयू का चुनावी परिणाम। पिछले 5 चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनावी परिणाम जो है वो गठबंधन में कितनी जरूरी है इसको दर्शाता है। आपको बता दें कि 5 में से 4 बार भाजपा और जेडीयू ने सहयोगी के रूप में चुनाव लड़ा। बस 2015 में ही एक ऐसा साल रहा जब भाजपा और जेडीयू साथ नहीं आए। 2015 बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। और बिहार विधानसभा के अगर चुनावी परिणाम की बात करें तो बीजेपी 53 सीटों पर जीती और जेडीयू 80 सीटों पर जीत दर्ज की। 2015 से पहले के 3 चुनावों में अगर हम आरजेडी के स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये 35%, 31% और 13% थी। पर जैसे ही 2020 के चुनाव आए और राजद ने कांग्रेस और वाम दलों के साथ गठबंधन किया तो हमने देखा कि ये स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर रहा। तो ये 2 ऐसे कारण हैं, यानी भाजपा के साथ गठजोड़ से कम रिटर्न आना और पिछले 2 चुनावों में आरजेडी के साथ गठबंधन से बेहतर प्रदर्शन। ये दोनों ऐसे प्रमुख कारण हो सकते हैं जिन पर नीतीश कुमार ने एनडीए से बाहर आने का फैसला लिया और माना जा रहा है कि उन्होंने ये सोचा होगा। ये विश्लेषण आपके लिए इंडिया टुडे के एडिटर पीयूष अग्रवाल ने लिखी थी। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।